हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हेड स्टार्ट एजुकेशन आई एम योर मैंट अमन सिंह एंड दिस पार्ट फाइव ऑफ चैप्टर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस क्या होता है इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल ये क्या कहलाया जाता है ये सेल का ब्रेन कहलाया जाता है जैसे ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वो क्या करता है वो ब्रेन ह्यूमन बॉडी के सारी एक्टिविटीज को क्या करता है कंट्रोल करता है सिमिलरली एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी क्या करता है सारी एक्टिविटीज को क्या करता है कंट्रोल करता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं सेल का अब न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि पहला फंक्शन है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस प्लेज प्लेस सेंट्रल रोल इन दी सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब जब एक सेल डिवाइड होके नए सेल में रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है मतलब नए सेल्स में डिवाइड होता है ये जो डिवीजन है ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है इस न्यूक्लियस की वजह से नेक्स्ट पॉइंट इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल ये सेल की सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं जैसे कि सेल के अंदर प्रोटीन्स का बनना सेल के अंदर लिपिड्स का बनना सेल की सेल मेम्ब्रेन का बनना ये जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं इसकी देखभाल भी कौन करता है न्यूक्लियस करता है तो न्यूक्लियस एक कंपनी के हेड की तरह है वो हेड जो उस कंपनी के सभी लोगों को ऑर्गेनाइज करता है और मेंटेन करता है कि सारा काम ठीक से चल रहा है अब देखते हैं न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन के बारे में मतलब न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या है ये सेल है सेल का ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगा दो तो लेयर की क्या होगी एक मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं इस पतली सी लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके बाद इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो ये न्यूक्लियस है मैं ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स जैसा कि अभी आपको दिख रहा है तो ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है एक मेम्ब्रेन है डबल लेयर दो लेयर की मेम्ब्रेन है जिसे क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है इसके बाद फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या है छोटे छोटे पोर्स हैं छेद हैं पोर्स क्या होते हैं? छेद जिन्हें हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जैसे सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हो इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं क्या कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म और इस न्यूक्लियो प्लाज्म क्या मिलता है इस न्यूक्लियो प्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये डैश डैश आपको दिख रहा है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन क्या कहते हैं क्रोमेटिन द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या है जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से उलझे हुए एंटेंगल्ड है ठीक है उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये अपने आप को अरेन्ज कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं क्रोमोजोम्स ठीक है chromosomes, ये क्रोमोजोम्स कैसे देखते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आगे देखेंगे तो इस तरीके से क्रोमेटिन जब इस तरीके का होता है एंटेंगल्ड होता है एंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ होता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन अपने आप को क्या करता है अरेंज करता है और क्या बनाता है इस एक्स जैसा शेप बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं क्रोमोजोम्स कहते हैं क्रोमोजोम्स के फंक्शन है कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ़ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन दी सबका पेरेंट से पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग्स मतलब कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर जो फीचर्स जाएंगे ठीक है वो कौन लेके जाता है वो क्रोमोजोम्स के अंदर ही जाते हैं और किस फॉर्म में जाते हैं डीएनए के फॉर्म में आप सभी ने जीन्स नाम का शब्द सुना होगा जी ई एन ई तो ये जीन्स क्या होते हैं सर ये फीचर्स होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं जैसे कि आइज के आयरिस जो होता है बोलते हैं ना इसका आंखों का रंग तो ये आंखों का रंग कैसा होगा बच्चे की हाइट कैसी होगी आपकी फैमिली में आपने सुना होगा कहा जाता है आपके बारे में क्या कि ये तो अपनी मम्मी पे गया है ये तो अपने पापा पे गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपके अंदर जो आपके पेरेंट्स ने जो क्रोमोजोम्स भेजे थे उसके अंदर क्या थे उनके फीचर्स थे उनमें से कोई एक फीचर आपकी बॉडी में शो होने लगा है और इस डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे बार बार प्रोनाउंस करिएगा एसिड ठीक है और ये DNA में होता क्या है डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल मतलब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि जो सेल होगा वो किस तरीके से डिवाइड होगा और अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसी वजह से जो ये आपने पढ़ा होगा जब और ओवम जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं एक सेल जिसको हम क्या बोलते हैं जायगोट क्या बोलते थे जायगोट आपने क्लास एट्थ में रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा ये जायगोट सिंगल सेल्ड होता है जो मदर की वूम में होता है और यही जायगोट क्या होता है फिर रिप्रोड्यूस होने लगता है डिवाइड करता है और उससे क्या बनता है पूरा एक बेबी तो ये जो सेल का डिवाइड होगा ठीक है ये कैसे होगा ये सब कहा लिखा है कैसे पता पड़ रहा है जायगोट को तो वो पता पड़ रहा है जायगोट के अंदर जो डीएनए है उसके थ्रू अब जो डीएनए होता है उसके भी एक छोटी इकाई होती है जिसे क्या बोलते हैं हम जीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिन्हें क्या बोलते हैं हम जीन्स और इन जींस के अंदर ही क्या होती है इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए के अंदर क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन है जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला है मतलब इन नॉन डिवाइडिंग सेल तो ये जो डीएनए होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में ठीक है क्रोमेटिन मटेरियल्स की फॉर्म में एक ही चीज है दोनों लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो यही क्रोमैटिन जो होता है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है किसमें क्रोमोजोम्स में और फिर सेल क्या करता है सेल डिवीजन परफॉर्म कर पाता है अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज के बारे में साइटोप्लाज क्या है साइटोप्लाज दरअसल एक जेली लाइक कलरलेस फ्लूड होता है ये जो सेल है इस सेल के अंदर ये जो सेल की मेम्ब्रेन है बाउंड्री है उसके अंदर ये जो आपको येलो कलर का पोर्शन है जो लिक्विड दिख रहा है वो क्या है साइटोप्लाज साइटोप्लाज क्या है एक जेली लाइक कलरलेस फ्लूड इसका कोई कलर नहीं होता ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है इट ऑल्सो कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनलीज और ये जो आपका साइटोप्लाज होता है इसके अंदर कई सारी सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं, जो कि आपको अभी दिखाई दे रही हैं। सब सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो किस में होती है साइटोप्लाज में पाई जाती है ईच ऑफ दी ऑर्गेनलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दी सेल मतलब हर एक ऑर्गेनलीज जो होती है वो सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है मतलब हर सेल ऑर्गेज का अपना अपना काम होता है जो साइटोप्लाज्म है उसका फंक्शन क्या है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सेल ऑर्गेज मतलब अगर एक सेल ऑर्गेज कुछ मटेरियल भेजना चाहती है दूसरी सेल ऑर्गेज के पास तो वो किसमें तैरता हुआ जाएगा वो जाएगा इस लिक्विड में तैरता हुआ दूसरे उसके पास सेल ऑर्गनीज के पास साइटोप्लाज़ ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स मतलब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर कई सारे वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि अमीनो एसिड पाया जाता है इस अमीनो एसिड से क्या बनता है इस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी जिससे क्या बनेगा डीएनए बनेगा ठीक है और इसी तरीके से और क्या क्या पाया जाएगा ग्लूकोज भी पाया जाता है किसमें साइटोप्लाज्म में साइटो कई सारे वाइटामिन पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में है। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनलीज के बारे में मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज जो किसमें पाई जाती हैं सेल के अंदर और सेल में भी कहा पाई जाती साइटोप्लाज्म में ठीक है तो एक एक करके हम सभी सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली सेल ऑर्गेनलीज होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलजाई एपरेटस के बारे में फिर हम पढ़ेंगे लाइजोजोम्स के बारे में फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देन प्लास्टिक के बारे में और लास्ट में वैक्यूल्स के बारे में तो अब हम एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का मतलब कई सारी ट्यूब्स होती है ठीक है कई सारी ट्यूब्स होती है और कई सारी शीट्स होती हैं। शीट्स मतलब लेयर्स होती हैं इसके समूह को इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं चाहता हूं आप सभी पहले उसे एक बार देख ले तो देखो ये स्टूडेंट ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड होता है ये पूरा जो आपको दिख रहा है पोर्शन ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें दो चीजें आती हैं कौन कौन सी सर पहला तो ये ट्यूब्स ठीक है मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स मतलब इन ट्यूब्स पे एक मेम्ब्रेन चढ़ी होगी एक लेयर चढ़ी होगी और दूसरा शीट्स तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट शीट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होता है ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या थी ये लार्ज नेटवर्क था किसका मेमब्रेन बाउंड ट्यूब्स का अब आपको याद होगा वो फिगर देख के किस तरीके की ट्यूब्स थी और शीट्स का ठीक है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा हमेशा किससे अटैच रहता है ये न्यूक्लियस से अटैच रहता है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी के भी टाइप्स है कौन कौन से फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में आरई आर भी कहते हैं नाम से ही क्या पता पड़ रहा है रफ है खुरदरा है दरअसल ये खुरदरा क्यों होता है क्योंकि जो ये शीट्स आपने देखी थी इन शीट्स के ऊपर इस तरीके के रॉड राउंड शेप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको कैसा बना देते हैं रफ बना देते हैं ठीक है हेयर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ ठीक है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं ये राउंड शेप के गोल गोल राइबोसोम्स पाए जाते हैं इस वैसे खुरदरा हो जाता है लेकिन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है सर राइबोजोम्स प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं मतलब क्या करते हैं प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं तो अगर मैं पूछूं आप सभी से कि स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है तो आप बताएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है कहां बनती है प्रोटीन बनती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही क्या पता पड़ रहा है कि स्मूथ है चिकना है मतलब इसके सरफेस पे कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट होती है यहां पे राइबोसोम्स एबसेंट होते हैं और इसी वजह से यहाँ क्या काम होता है यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं क्या बनते हैं लिपिड्स आई होप आप सभी को याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लिपिड्स क्या थे लिपिड दरअसल फैट्स को ही कहते हैं चिकनाई को ही कहते हैं ठीक है तो एक बार मैं आपको फिगर दिखाऊंगा जल्दी से फिर से देखिए ये जो है जो ट्यूब्स की फॉर्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है क्योंकि इनका सरफेस चिकना है जबकि ये जो शीट्स वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है आपको इनके सरफेस पे राउंड ठीक है सर्कुलर क्या दिख रहे हैं कुछ चीज दिख रही है जिन्हें हम क्या कहते हैं राइबोजोम्स कहते हैं और यही क्या कर देते हैं इनके सरफेस को रफ बना देते हैं और इसका नाम पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं एक बार तो सबसे पहला है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइसेवरसा मतलब मैंने बताया ये जो सेल है इस सेल के न्यूक्लियस से कौन अटैच है इस सेल के न्यूक्लियस से कौन अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसी वजह से सेल के अंदर या सेल की मेम्ब्रेन के पास अगर कोई किसी भी सामान को पहुंचाना है तो वो कौन काम कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी सामान सेल की सॉरी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तक जो पहुंचाना है तो वो कौन कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करते थे सिंथेसिस का मतलब मैन्युफैक्चर तो वो करते थे प्रोटीन का सिंथेसिस और इसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है स्मूथ मतलब चिकना तो वो क्या बनाएगा चिकनाई बनाएगा फैट्स बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं लिपिड्स कहते हैं ये हमारी सेकेंड सेल ऑर्गनली है ठीक है जिसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैमिलियो देखिए, मैं चाहूं तो नेट से ढूंढ के सभी साइंटिस्ट के नाम लिख सकता हूं कि इसे इसने हो जाता है इसे इसने हो जाता लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि जितना आपके सेलेबस में है हमें उतने से ही मतलब है अभी से आपको नीट की तैयारी तो नहीं करनी है क्लास नाइन्थ में तो अभी अपने बेसिक्स अच्छे कर ले आप सभी तो गोलजाई एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था कैमिलियो गोलजाई ने किया था गोलजाई एपरेटस होता क्या है गोलजाई एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड एप्रोक्सीमेटली पैरल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टम सर इसका मतलब मैं बताऊं तो मैं चाहूंगा पहले आप इसका फोटो देखें तो गोलजाई बॉडी क्या होती है ध्यान से देखिए ये सेल का न्यूक्लियस है और उससे अटैच्ड है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में आपको क्या मिलेंगे गोलजाई बॉडी या गोलजाई एपरेटस ये होते कैसे हैं तो ये पैरेलल शीट्स जैसे होते हैं ये एक सिस्टम होता है पैरेलल शीट्स का जिनको क्या कहते हैं हम सिस्टर्न कहते हैं क्या कहते हैं सिस्टर्न और ये क्या होते हैं वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे बैग्स इसमें से निकलते हैं जिनके अंदर लिक्विड भरा होता है ठीक है मतलब क्या है मतलब ये ध्यान से सुनिएगा अगर जैसे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई और उसे वो भेजना चाहता है सेल की मेम्ब्रेन तक सेल की मेम्ब्रेन तक तो वो किसके पास जाएगा गोलजाई जाएग पॉडी के पास जाएगा और क्या कहेगा कि मेरी ये प्रोटीन अपने इन बैग में कैरी करो और कहा पहुंचा दो बिल्कुल सेल की मेम्ब्रेन के पास तो इसी से मैंने आपको इसका फंक्शन भी बता दिया क्या काम है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं किसी भी चीज को तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं गोलजाई बॉडी के द मटेरियल सिंथेसिस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सामान बनाता है मेटेरियल को सिंथेसिस करता है उसे पैक करके डिस्पैच करने का मतलब ट्रांसपोर्ट करने का कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर या सेल के बाहर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो काम किसका होता है गोलजाई एपरेटस का तो दरअसल गोलजाई एपरेटस कौन है सर ये कोरियर वाले हैं किसके सेल के ये कोरियर है हमारे सेल का जो सेल के अंदर कोई भी सामान अगर भेजना है बाहर को या सेल के अंदर ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह तो वो कौन भेजता है गोलजाईपरेटर्स भेजता है इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस होते हैं स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स ये वेसिकल्स क्या थे मैंने बताया था ये राउंड क्या थे बैग्स थे जिनके अंदर कोई भी सामान भरा जा सकता है तो ये क्या करता है अपने इन बैग्स में सामान को स्टोर करता है उसे मॉडिफाई करता है पैक करता है और क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है गोलजाई बॉडी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत पूछा जाता है इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स एक और सेल ऑर्गेनली है जिसे कौन हेल्प करता है सिंथेसिस में गोलजाई बॉडी गोलजाई बॉडी हेल्प करता है इनके प्रोडक्शन में इनके मैन्युफैक्चर में ठीक है अब हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्ग सेल ऑर्गनली जिसका नाम है लाइजोजोम्स तो अभी हमने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में कि दरअसल ये जो गोलजाई एपरेटस होता है ये ही हेल्प करता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में लाइजोजोम्स की अब ये सर लाइजोजोम्स होते क्या हैं लाइजोजोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ दी सेल मतलब एक सेल के अंदर जितनी भी ये सेल है ये सेल का न्यूक्लियस है तो इस सेल के अंदर जितनी भी कोई गंदगी बनेगी वेस्ट प्रोड्यूस होगा ना तो जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसे सेल के बाहर फेंकने का काम किसका है लाइजोजोम्स का ठीक है तो लाइजोजोम्स क्या है दरअसल सफाई कर्मचारी है किसके सेल के ठीक है ये कौन है वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है सफाई कर्मचारी है सेल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जरा ध्यान से समझिएगा ड्यूरिंग इन मतलब सेल के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए मतलब कोई सेल का ऑर्गेनलीज खराब हो जाए और वो हद से ज्यादा काम करने लगे या बिल्कुल काम ना करे या सेल का न्यूक्लियस अगर डिस्टर्ब हो जाए मतलब सेल डैमेज हो जाए तो जा, लाइजोजो क्या करेंगे सर बस्ट हो जाएंगे फट जाएंगे फट और अपने अंदर से कुछ एंजाइम एंजाइम मतलब कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और ये केमिकल मान लो ये लाइजोजोम्स है तो लाइजोजोम जो है वो फट जाएगा और अपने अंदर से क्या निकालेगा केमिकल जो पूरे सेल को क्या कर देगा खत्म कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा खा जाएगा ठीक है इसीलिए लाइजोजोम्स को क्या कहा जाता है लाइजोजोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं सेल का सुसाइड बैग्स क्यों कहलाए जाते हैं क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस आ जाता है जैसे कि सेल डैमेज हो जाए उसकी कोई ऑर्गेनली क्या हो जाए डिस्टर्ब हो जाए ढंग से काम ना करे या न्यूक्लियस में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये लाइजोजोम्स खुद को क्या कर लेते हैं बर्स्ट कर लेते हैं क्या करते हैं बर्स्ट कर लेते हैं और अपने में से कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो अपने ही सेल को क्या खाद कर देता है डाइजेस्ट कर देता है मतलब खा जाता है अपने सेल को और वो सेल मर जाता है ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो उस सेल से बीमारी किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाए इसीलिए न सुसाइड बैग्स भी कहते हैं तो दरअसल ये आईएसआईएस आई वाले हैं किसके हमारे सेल के नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी ने क्लास एट्थ में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल के अंदर क्या डेवलप करना एनर्जी को डेवलप करना मतलब प्रोड्यूस करना तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और पावर हाउस ऑफ द सेल ये क्या है पावर हाउस होते हैं किसके सेल के मतलब मतलब ये कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये कैसे होते हैं दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड ये कैसे होते हैं रॉड जैसी शेप के होते हैं ठीक है ठीके? और इनका खुद का डीएनए होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी की बुक में मिलेगा कि न्यूक्लियस के अलावा और कौन से ऑर्गेनलीज हैं या और कौन सी चीज है जिसका खुद का डीएनए होता है तो ये तो आपने पहला पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया जिसका खुद का क्या होता है डीएनए और ध्यान रखना बच्चों जिनके पास खुद का डीएनए है उनके पास खुद का क्या भी होगा राइबोजोम्स भी होंगे क्या होंगे राइबो ठीक है जिनके पास खुद का डीएनए होता है उनके पास खुद के क्या होते हैं राइबोसोम्स भी होते हैं साथ में दे आर एबसेंट इन बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं इनके फंक्शंस एक बार देख लेते हैं पहला फंक्शन तो वही जो मैंने बताया द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज मतलब सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन होंगी जितना भी काम होगा उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से रिलीज होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा और ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है कुछ मॉलिक्यूल छोड़ता है एनर्जी के जिनको बोलते हैं हम एटीपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एटीपी इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में आती है एनडीए तक में पूछी जाती है और इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट क्या होती है और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ए टी पी के इनमें एनर्जी होती है इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है मतलब जिस सेल के पास एटीपी होंगे उसके पास एनर्जी होगी वो अपने सेल की ऑर्गेनलीज से क्या करवा पाएगा काम करवा पाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है जरा देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ये रॉड शेप्ड होता है ठीक है और इसके अंदर पाया जाता है खुद का डीएनए और ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है प्रोड्यूस करता है और एटीपी क्या होते थे एनर्जी करेंसी थी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है प्लास्टेड्स अब हम प्लास्टेड्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स और इन सम बैक्टीरियास ठीक है कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं कुछ फंगस में भी पाए जाते हैं कुछ फंगाई में भी पाए जाते हैं प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे या कुछ बैक्टीरिया में मिलेंगे या फिर कहा मिलेंगे फंगाई में पाए जाएंगे नेक्स्ट मैंने जैसा बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है सिमिलरली प्लास्टिट्स न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा थर्ड ऐसी चीज है जिसके पास खुद का क्या होता है डीएनए होता है और जिसके पास खुद का डीएनए होता है उसके पास खुद के क्या चाहिए होते हैं उसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं ये प्लास्टिड जो है वो थ्री टाइप्स की होती है तीन तरीके की प्लास्टिड्स होती हैं पहली होती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या है दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक कंटेन क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर की प्लास्टिक होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है और आप सभी को पता है कि इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स क्या कर पाते हैं प्लांट्स इस क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं मतलब अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्या है सर ग्रीन कलर के अलावा एक्सेप्ट ग्रीन कलर बाकी जो भी कलर होता है किसी भी प्लांट में वो किसकी वजह से आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से दरअसल क्रोमो का मतलब ही क्या होता है क्रोमो का मतलब होता है कलर्स तो वो प्लास्ट्रेट्स जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने कई सारे कलरफुल फ्लावर्स देखे होंगे तो जो फ्लावर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किस में वजह से होते हैं क्योंकि उन फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं जो पंखुड़ी होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है इस वजह से इतने अट्रैक्टिव कलर मिलते हैं तीसरी प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है ल्यूकोप्लास्ट? ये क्या होती है ये कलरलेस प्लास्टिड होती है ये कैसी होती है कलरलेस होती है ये प्लास्टिड कलरलेस होती है अब इन तीनों के फंक्शन जरा देख लेते हैं तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन देखते हैं जैसा कि मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है और ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है फोटोसिंथेसिस होगा किसमें प्लांट्स में और प्लांट्स अपना क्या करना पाएंगे खुद का फूड प्रिपेयर कर पाएंगे नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं जब फ्लावर इतने कलरफुल होंगे तो इंसेक्ट्स भी उनपे क्या होते हैं अट्रैक्ट होने लगते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है पॉलिनेशन याद करिए आप सभी ने क्लास सेवेंथ में पॉलिनेशन पढ़ा था जिसके दो टाइप्स थे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन तो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है ल्यूकोप्लास्ट एक तरीके से स्टोरेज की तरह वर्क करता है और अपने अंदर क्या स्टोर करता है फूड को और किस फॉर्म में स्टोर करता है या तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा या प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर करेगा या फिर फैट्स की फॉर्म में स्टोर करेगा नेक्स्ट और आखिरी सेल ऑर्गनली हमारी वैक्यूल्स क्या है वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या होते हैं वैक्यूल्स आर दी स्टोरेज फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स मतलब किसी भी सेल के अंदर अगर कोई भी सामान स्टोर करके रखना है सामान स्टोर करने के लिए जो खाली जगह है वो क्या है उसे हम वैक्यूल कहते हैं ठीक है इस सेक्स का मतलब होता है बोरे तो जो भी सामान रखने के जो बोरे होते हैं जो स्पेस होता है उन्हें क्या कहते हैं हम वैक्यूल्स कहते हैं प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये परमानेंट होते हैं मतलब प्लांट सेल में हमेशा आपको वैक्यूल मिलेगा जबकि एनिमल सेल में इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये टेम्परेरी होते हैं किसी किसी एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं किसी किसी एनिमल सेल में ये नहीं मिलते अब वैक्यूल का फंक्शन क्या है फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी एक बार वैक्यूल देख ले तो वैक्यूल कुछ इस तरीके के होते हैं जैसा कि आपको प्लांट सेल दिख रहा है तो ये जो सेंटर में आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बेचारा साइड हो गया है जबकि एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल का साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा है बहुत ही छोटा होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन में वैक्यूल इन एनिमल सेल अब वैक्यूल के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम तो पहला फंक्शन है दे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सेल के अंदर ये जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं दूसरा इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट मतलब ये क्या करते हैं मतलब जो प्लांट सेल का जो शेप है वो फिक्स बना रहे ऐसा ना हो कि अभी ऐसा था और फिर बाद में कैसा हो जाए चेंज हो जाए तो प्लांट सेल का जो शेप है एक तो सेल वॉल की वजह से फिक्स रहता था दूसरा इसी सेल वॉल को कौन हेल्प करता है वैक्यूल्स भी हेल्प करते हैं प्लांट को अपनी शेप मेंटेन करने में नेक्स्ट है मेनी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन दाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर कई सारी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिसे उसे स्टोर करना होता है तो वो कहाँ कर पाता है वैक्यूल्स में और वो सब्सटेंस जो स्टोर होते हैं वो है जैसे की अमीनो एसिड शुगर्स और कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कुछ प्रोटीन्स